और भी आपके भाई हाथ से ही खुलते हैं, बंद होते हैं, मगर यहाँ से आप इसको बंद करते हो भाई 57 लीटर की मतलब गाइज वेलकम बैक टू अदर वीडियो। एंड यार इस वीडियो के यार भाइयों बात करने वाले हैं अबाउट द थार 4x4, मतलब यार रियल थार ना आपकी यही वाली है। 4x2 तो भाई बेसिक एक गाड़ी है, आपकी कार कह सकते हो, वो थार मतलब क्या एक ब्रांडिंग से थार थोड़ी बन जाएगी। इस पे आपको रियर में भाई 4x4 का लोगो देखने को मिलता है, साइड पे आप आते हो तो भाई आपको एम हॉक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। ये जो गाड़ी है आपकी भाई ये ऑटोमेटिक है, इसके आपका टॉक कन्वर्टर डल के आता है, आपका 2.2 लीटर मतलब यार 2184 सीसी का इसके डीजल इंजन कंपनी डाल के दे रही है। चाबी से एक बार स्टार्ट करते हैं, क्या चीज़ कैसी मिलती है ना। आप चाबी को देखोगे आपको ट्विन पीक्स का लोगो देखने को मिलता है, मगर थार में आगे आपको ना कोई लोगो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे आपको महिंद्रा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यार क्या सही लगती है ना, चाबी का फिनिश काफ़ी बढ़िया मिलता है। एक चाबी पे आपको यार लाइक बटन देखने को नहीं मिलते, एंड दूसरी चाबी आपको लाइक क्रोम वगैरह देखने को मिल जाता है विद द बटन एंड मेटालिक टच, बहुत बढ़िया लगता है। तो यार पूरी बात करते हैं क्या चीज़ कैसे मिलती है ना भाई। चाबी के अंदर आपको तीन बटन मिलते हैं, एक बार चाबी की पूरी बात करूं, इसको दबाओगे आपकी गाड़ी लॉक हो जाती है, इंडिकेटर आपका ब्लिंक करता है, अनलॉक करते हो आपका भाई ये ब्लिंक करेगा, लाइक फ्लिकर मारता है दो या तीन बार, अच्छा लगता है। एंड दोबारा अगर दबा दोगे तो आपके हेडलैम्प्स ऑन हो जाते हैं ना, लॉक वाले को दोबारा दबाते हैं आपके हेडलैम्प्स ऑन हो जाते हैं, दोबारा दबाओगे बंद हो जाते हैं। तो ये चीज़ ना भाई आपको चाबी से देखने मिलती है, इसको अगर आप दबाते हो तो आपकी ये आवाज़ करने लगती है, दोबारा दबाते हो आपके यहाँ से आवाज़ ये बंद हो जाती है पूरा। अब भाई एक बार फ्रंट में देख रहे हो भाई, मतलब इतना ज़्यादा इसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, कुछ भी कर सकते हो, हद लेवल की मॉडिफिकेशन उसके यहाँ करा सकते हो। एंड भाई ऑटोमेटिक जो है ना ये भाई रेयर है, आपको इजीली देखने को नहीं मिलती, या तो आदमी 4x4 में आपका मैनुअल में चला जाता है, मगर जब ऑटोमेटिक की बात आती है ना, आप यहाँ पर आते हो, आप जब देखते हो तो भाई यू कैन सी आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसके काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, मतलब टॉक कन्वर्टर आता है आपका इसके अंदर, स्क्रीन वगैरह पे पूरी आपकी फिल्म अभी लगी हुई है, एंड पन्नी वगैरह चढ़ी हुई है, सीट कवर वगैरह भाई डलवा लेना जब थार लो ना, देखो तो ये फैब्रिक है ना आपका, थोड़ा टाइम भाई इस पर आपके क्रीजेज द लाइन आने लगती है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी आपको दिक्कत फील होती है। यहाँ से इसको आप करते हो बंद, डिसेंट क्वालिटी MRF वॉन्डर आपका इसके यहाँ लग के आता है, रियर पे जैसे ही आते हो आपका रियर में भी वॉन्डर देखने मिलता है, पाँचों एलॉय मिलते हैं गाड़ी के अंदर, आपके तीन नट आते हैं, एक दो और तीन, तीनों नट से आपका भी ये स्पेयर व्हील जो होता है ये टंगा होता है। यहाँ पे देखते हो AT की ब्रांडिंग, आपकी जीप भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जीप बनी रहती है ना, बहुत सही लगता है। टायर सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, बढ़िया मिलता है, फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिलता है। एंड जब टायर सेक्शन की बात करते हो तो भाई आपको इसके अंदर 255/65 R18 इंच का आपका अलावा आता है, हब कैप पे भी आपका ट्विन पीक्स का लोगो देखने को मिलता है आपको। तो यार एक बार बूट की बात करते हैं, आपको ऑटोमेटिक की यहाँ ब्रांडिंग देखने को मिलती है, मैनुअल और ऑटो में ना बस यही एक फ़र्क है, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक का जो बैज है ना आपका भाई ये बैज लग के आ जाता है, देख रहे हो क्या सही लगता है ना फिनिश इसके अंदर। यहाँ से आपका भाई ये बूट ओपन होता है, पूरा रबराइज फिटिंग वगैरह सब चीज़ प्रॉपर मिलती है आपको, यहाँ देखते हो अच्छा खासा वाइड ओपन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ग्लास को अगर आपको लिफ्ट करना है, यहाँ से आप इसको लिफ्ट करते हो ग्लास यहाँ से लिफ्ट हो जाता है, ये आपके डिफॉगर की जो वायरिंग है वो आती है, यहाँ पे आपका हाई अमाउंट स्टॉप लैंप डल के आ जाता है, कोई मैटिंग वगैरह देखने को आपको उसमें नहीं मिलती है, आप इसको यहाँ से बंद करते हो एंड डिसेंट बहुत सही ग्लास एरिया मिलता है आपको इसके अंदर, अपने आप बंद हो जाएगा, कोई एज इन दिक्कत फील नहीं होती। रियर में भी थार की ब्रांडिंग है, आपका डीजल और DPF गाड़ी में भाई यहाँ से डलता है आपका, यहाँ से आप इसको ओपन करते हो ना तो आपका DPF वगैरह सब चीज़ यहाँ से डलती है, डीजल एंड आपका यहाँ पे पूरा आप देख पा रहे होगे, इसमें 20 लीटर आपका DEF डलता है, मतलब यूरिया यहाँ से डलेगा, एंड डीजल आपका यहाँ से डलता है, यहाँ से आप इसको बंद करते हो भाई 57 लीटर की मतलब 57 लीटर की आपको ये गाड़ी टंकी देती है आपको भाई, 57 लीटर की टंकी ना बहुत ज़्यादा बढ़िया बड़ी टंकी इसको कहते हैं ना वो आ जाती है। रियर में ड्रम है आपका, फ्रंट में भाई आपका इसके अंदर डिस्क देखने में मिलता है, एम हॉक की ब्रांडिंग आपकी यहाँ पे आ रही है, FM का एंटीना आपका यहाँ पे आ जाता है, थोड़ी बहुत एक्सेसरीज तो भाई डलवाई जा सकती है, कोई दिक्कत फील होती है। एंड भाई बिल्कुल रेट्रो लुक है गाड़ी का, देखते हो डोर हिंजेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, उसके यहाँ थार की ब्रांडिंग आ रही है, 4x4 की ब्रांडिंग आपकी पीछे की तरफ यहाँ पे देखने को मिलती है, इसी लोगों के आप ना तकरीबन 4 लाख रुपये एक्स्ट्रा खर्चते हो, 4x2 और 4x4 में यही अंतर मिलता है, इंडिकेटर आपके एयर है, DRL आपका एयर है, हेडलैम्प्स आपके एयर है, एंड आपको भाई इसके अंदर फॉग लैंप मिल जाता है, सारे हैलोजन मिलते हैं, पीली लाइट आपको ये थ्रो करती है महिंद्रा की ब्रांडिंग आगे। अब एक बार भाई अंदर बैठ के बात करते हैं क्या चीज़ कैसे मिलती है ना, तो फुट रेस्ट वगैरह आपका सब इसमें डला हुआ है, जैसे ही अंदर चढ़ते हो भाई देखो भाई थार के अंदर तो बैठने की आदत हो गई है, क्योंकि अपनी थार भी है बट वो यार ऑटोमेटिक नहीं है, वो मैनुअल है आपकी। एंड यहाँ पे देखते हो भाई पियानो के टचेस भाई बढ़िया लगती है यार, ये भी कर रहा फील है इसका भी हिसाब किताब। डोर को एक बार बंद कर देता हूँ, सीट को थोड़ा सा पीछे लेते हैं, एंड चाबी ये रही मेरे पास, चाबी को यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे चाबी लगेगी आपकी, आपकी स्टार्ट हो जाएगी थार। एंड यहाँ पे भाई फुल स्वाइप मारता है, थार की लोगों को बन के आएंगे पूरा। एसी को आप बंद पे कर देता हूँ, ठंडा भी हवा फेंकने लगेगा,
ये आपका गियर है भाई, देख रहे हो क्या सही लगता है ना, पार्क में डली हुई है। मैंने इसका चेंज करा, रिवर्स में डाल दिया, कैमरा आपका इसके नहीं था, पार्क का सबसे ज़्यादा कैमरा आपको अलग से डलवाना पड़ेगा। ये आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल में डल गया, ये आपका ड्राइव है, ये ड्राइव डल गई, मैनुअल में कर दोगे इधर को कर दो मैनुअल में, प्लस वन करते हो तो वन में डल गई, बैक करते हो तो टू में लगी, वो सब चीज़ आपकी अच्छी काम करती है, टू में डल गई, ये आपकी थ्री में नहीं डलेगी बिकॉज ऑटोमेटिक है, दो तक ही डलता है। दोबारा अभी देख रहे हो टू लिखा हुआ नीचे, बैक करता हूँ वन डल जाएगा, एंड दोबारा इधर करता हूँ तो आपका डी में आ गई, इधर करता हूँ तो न्यूट्रल, इधर करता हूँ तो रिवर्स, एंड इधर करता हूँ तो पार्क में आपकी दोबारा डल जाती है। हैंड ब्रेक को आप खींच दो पूरा। ये आपका भाई 4x4 का लीवर है, इसको यूज़ करना एक बार बता देता हूँ कैसे होता। देखो आपका ब्रेक प्रेस्ड है, इसको आप 4 हाई में अभी ले सकते हो, आपका 4 हाई इंगेज हो गया, देख रहे हो लोगो बन के आ गया, ठीक है, 4 हाई आपका लिख के आ जाता है। अब क्या करना है ना, इसको प्रेस करो, ये आपका न्यूट्रल में आएगा, एंड आपका ये न्यूट्रल डल गया, तो यार आपका लाइक गियर जो है अभी न्यूट्रल के अंदर है इसका। अब आप देखते हो ना भाई, आपका ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पूरा हमने बात करी, स्टीयरिंग पे आपको ऑडियो कंट्रोल देखने को मिल जाता है, आपको ट्विन पीक्स का लोगो मिल जाता है, यहाँ की बात करते हैं आपको क्रूज कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं, स्टीयरिंग पे आपको कोई लेदर एडवर्ट वगैरह देखने को मिलता, बगल में आपकी बोलेरो कैंपर लग चुकी है भाई, इसकी डिलीवरी होगी, स्क्रीन पे आपके ये फिल्म देख रहे हो, ये लग के आती है, तो जब आप गाड़ी चलाओगे आप इसको बाद में हटा सकते हो, थोड़ी सी फिनिश देखने को मिलती है आपको, डायल देखते हो अच्छे फील होता है, देखते हो आपको पियानो लग के टचेस, क्रोम के टचेस हैं यहाँ पर भी, नॉब अच्छा लगता है देखने के अंदर, इंडिकेटर वगैरह आपके अच्छे काम करते हैं इसके अंदर, आपके इंडिकेटर चालू हो गए पूरा, तो यू कैन सी भाई मतलब गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। ग्लव बॉक्स के नाम पर भी छोटा सा बच्चा मिलता है आपको यहाँ पे, ग्रैब में पकड़ने के लिए हेरा, सनशीट्स आपके यहाँ पे आते हैं, टिकट होल्डर आपका इसमें लग के आता है, यहाँ की बात करते हो आपको मिरर यहाँ देखने को मिल जाता है, हार्ड टॉप है आपका ये, यहाँ आपको LED लैंप मिल जाएगा, यहाँ आपके स्पीकर के ट्विटर आ जाते हैं, तो यार बढ़िया लगती है, मतलब वो सब चीज़ आप देखते हो, दैट इज़ वेरी गुड भाई, कमाल का फील है भाई गाड़ी का। लॉक करते हो यहाँ से, लॉक अनलॉक, लॉक अनलॉक, लॉक अनलॉक, अच्छा काम करते हैं लॉक वगैरह, सारे बटन आप देखते हो ना, आप देखते हो भाई यहाँ पे आपको पूरे कंट्रोल में जाना, ये 3 बटन है ना आपके, ये पहले आपके बटन यहाँ पे आपको देखने को मिलते थे, अब ये बटन आपके यहाँ पे आ गए हैं, आपका हिल डिसेंट कंट्रोल ले रहा, ट्रैक्शन कंट्रोल में फिर है ना, वो लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पे देखने को मिलता है। हॉर्न की एक बार जब बात करते हो तो यू कैन सी भाई आपका स्टीयरिंग बहुत क्लीन लगता है, बढ़िया लगता है, आप ये देख रहे हो आपका अच्छा लगता है, हॉर्न बजाओ एक बार, लाइक हॉर्न भी काफ़ी ज़्यादा लाउड मिलता है आपको इस गाड़ी के अंदर, एंड AC यार तगड़ा काम करता है आपके, तब रियर सीट में आना कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर, आप साइड से इसको खींचते हो आगे आती है आपकी, फोल्ड होती है पीछे चलेगा, कोई दिक्कत आपको फील नहीं होती है, आइसोफिक्स स्टाइल सीट माउंटिंग वगैरह सब चीज़ मिलती है आपको इसके अंदर, ABS आ जाता है, ESP आ जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ आ रहा है, हिल डिसेंट कंट्रोल आ रहा है, लॉक अनलॉक वो सब चीज़ आपके इसके अंदर, जो एयर बैग है आपके, 2 एयर बैग आते हैं, एक एरा एक हो रहा, तो यार यही है मतलब इस गाड़ी के डिसेंट फीचर्स, सब ये गाड़ी आपको ऑफर करती है, एंड ये ऑटोमेटिक है भाई, रेयर देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देखते हो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, USB आपका एरा, एप्पल कारप्ले का भी अपडेट आया नहीं है इसके अंदर, ये आपका ऑक्स के लिए, पावर विंडो कंट्रोल दे रहा है, 2 कप होल्डर आपका, हैंड ब्रेक एरा, मैनुअल हैंड ब्रेक है इसके अंदर, एंड आप सब देखते हो मतलब कमाल लगती है, और भी आपके भाई हाथ से ही खुलते हैं बंद होते हैं, मगर एडजस्टेबल अंदर से मिलते हैं आपको, आप यहाँ पे करते हो उसको, देखो एडजस्ट हो रहा है, ये नीचे हो रहा है ना, तो ये चीज़ें आपको पूरी पूरी मिल जाती है इसके अंदर, तो दैट इज़ वेरी गुड भाई। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं भाई, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर भाई, लव यू ऑल।